कल रात हमने एक रेड करी पहाड़गंज के होटल हृदय इन में, और वहां से 39 लड़कियों को हमने रेस्क्यू कराया है जो कि सारी की सारी नेपाली हैं और उन्हें गल्फ कंट्रीज और श्रीलंका में बेचा जा रहा था। कुछ लड़कियों को तो ऑलरेडी वहां पे बेचा जा चुका है। इस होटल में सिर्फ और सिर्फ नेपाली लड़कियां लाई गई थी जिनको वहां रखा गया था और धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पे उनको वहां से बेचा जा रहा था। ये हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन इस हफ्ते का तीसरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। पहली बार हमने मुनिरका में आधी रात में रेस्क्यू करा, तब हमने 16 नेपाली लड़कियां निकाली थी। अभी कल ही बनारस पुलिस और हम लोगों ने मिलकर मैदानगढ़ी से 19 लड़कियां निकाली हैं, और अब कल रात ही 1:30 बजे से लेकर अभी सुबह 6 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और 39 लड़कियां पहाड़गंज के होटल से निकाली गई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी दिल्ली अब मानव तस्करी का अड्डा बनती जा रही है। हम रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो थे ही थे, लेकिन अब हम मानव तस्करी की भी पूरे विश्व में कैपिटल की तरह जाने जाएंगे। कितनी शर्म की बात है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी से, मैं बार बार बोल रही हूँ कि संज्ञान ले लीजिए और कितनी लड़कियों को बेचा जाएगा श्रीलंका में, इराक में, ओमान में, कुवैत में, तब जाके सरकार संज्ञान लेगी। मैं राजनाथ सिंह जी से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, ये जो बच्चियां हैं जिनको बेचा जा रहा है ये भी इसी देश की बच्चियां हैं, इनमें से इस देश की भी है और बाहर के देश की भी बच्चियां हैं, इन लड़कियों का जिम्मेदार कौन है? राजनाथ सिंह जी को संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत उनको इसके ऊपर बात रखनी चाहिए अपनी और उन्हें पुलिस की जवाबदेही तय करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस कहाँ पे रहती है, कहाँ पे बीट ऑफिसर्स हैं? कैसे दिल्ली पुलिस को नहीं पता चलता कि इतने बड़े बड़े रैकेट दिल्ली में चल रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजनाथ सिंह जी से, तुरंत आज ही मीटिंग बुलाएं, LG साहब को बुलाएं, दिल्ली महिला आयोग को बुलाएं, पुलिस कमिश्नर को बुलाएं, और ये जो रैकेट चल रहे हैं पूरे दिल्ली में जिसमें मानव तस्करी हो रही है, इतने बड़े लेवल पे हो रही है, इंटरनेशनल रैकेट चल रहे हैं, इनको बंद कराएं और जितने भी मानव तस्कर हैं उनको अरेस्ट कीजिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए।